अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ अलग स्टाइल में चिकन गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। तो एक बड़े बाउल में मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। अब इसमें 1 टीस्पून ईस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून शुगर। ईस्ट और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 350 ग्राम मैदा डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैं बताना भूल गई। अब एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सी ऑयल लगाएंगे। अब ढक्कन ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो जब तक हम चिकन रेडी कर लेते हैं, तो पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें 1 कप श्रेडेड चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया था। उसके बाद चिकन को तोड़ लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 5 मिनट तक इसे भुनेंगे। अब 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर स्लो फ्लेम पर 3 मिनट तक भुनेंगे। हमने इसमें ऑयल कम डाला है, इसीलिए इसे जलने नहीं देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है। 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक। इन तीनों को बटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी एक साइड में रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, तो डो को देखते हैं। डो अच्छी तरह से फूल गया है। डो को थोड़ा सी पंच करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा डो रेडी हुआ है। अब एक क्लीन सरफेस पे थोड़ा सी सूखा आटा डालेंगे और डो के 2 पीस कर लेंगे। डो को अच्छी तरह से गोल करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना है। अब इसमें से एक डो लेंगे, इस पर थोड़ा सी सूखा आटा लगाएंगे और उंगलियों से फैलाएंगे। अब इसे रेक्टेंगल शेप में बेलेंगे। हम इसे बेलकर बेकिंग ट्रे में रखने वाले हैं, तो बेकिंग ट्रे का साइज देख लीजिएगा और उतने ही साइज का रेक्टेंगल शेप लेंगे। अब मैंने बेकिंग ट्रे पर बटर से ग्रीस कर लिया है। इसे अब ट्रे पर डालेंगे। अब ट्रे पर इसे सेट करेंगे। ट्रे पर अच्छी तरह से फैलाएंगे। तो डो ट्रे पर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इस पर बटर गार्लिक लगाएंगे, जो हमने रेडी किया हुआ था। बटर गार्लिक को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से लगाना है, ताकि गार्लिक का टेस्ट आए। अब इस पर चिकन डालेंगे। हमने जितना भी चिकन बनाया था वो पूरा डालेंगे। अब हाथ से सब जगह इसे स्प्रेड करेंगे, ताकि ये इक्वल हो जाए। अब 1 कप मोज़रेला चीज डालेंगे। इसे साइड में रखकर अभी दूसरा डो भी बेल लेंगे। दूसरा भी हमें रेक्टेंगल शेप में ही बेलना है। हमने थोड़ा इसे मोटा बेला है, ताकि ये उठाने में फट ना जाए। अब इसे ट्रे पर सेट करेंगे, यानी हमें इन सबको कवर करना है। अब उंगलियों से चारों तरफ इसे प्रेस करके बंद कर देंगे, यानी दोनों डो को मिलाकर प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से टाइट प्रेस करेंगे, ताकि ये खुले ना। अब इसके ऊपर बचा हुआ बटर गार्लिक ब्रश करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से लगाना है, ताकि गार्लिक का टेस्ट आए।
अब उंगलियों से 5 लाइन पर प्रेस करेंगे। अब उसी लाइन से प्रेस करते हुए एंड पर चले जाएंगे। हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसके कट्स दिखाई दें। तो मैंने इसे दोबारा से प्रेस किया है ताकि इसके कट्स दिखाई दें। अब इस साइड भी 3 लाइन प्रेस करेंगे और उसी तरह स्टार्ट टू एंड प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें कट्स पड़ जाएं। हम इसे करने में जितना टाइम लगाते हैं तो डो उतना ही राइज होता है, यानी फूल जाता है, तो हमें डबल कट्स लगाने पड़ते हैं। डो ऑलरेडी राइज हो चुका है तो हम इसे और रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे ओवन में डालेंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब 200 डिग्री पर 35-40 मिनट्स के लिए इसे बेक होने के लिए रखेंगे। ट्रे को मैंने नीचे वाले रैक पर रखा है। 40 मिनट्स हो चुके हैं तो देखते हैं, कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपके गार्लिक ब्रेड का कलर इस तरह नहीं आए तो ऊपर वाले रैक पर 5 मिनट्स के लिए आप रख दीजिएगा। तो चिकन गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। आप इसके सिंगल सिंगल पीस कर लीजिए। हमने जो बटर में गार्लिक, ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला था उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाने में चिकन और गार्लिक दोनों का ही मज़ा आ रहा है। आप इसे मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए और घर के फंक्शन में इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह का चिकन गार्लिक ब्रेड आपने कहीं नहीं ट्राई किया होगा तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।